कक्षा तीसरी में आपका स्वागत है। बच्चों, आपने दिवाली में क्या क्या किया? बहुत सारी मस्ती की है ना, लेकिन अब हमें पढ़ाई की ओर बढ़ना है, तो इसलिए आज हम हिंदी विषय में पार्ट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, इसकी हम पढ़ाई करेंगे। बच्चों, यह एक लोक कथा है। लोक कथा यानी लोगों से सुनाई गई कथा। यह एक पंजाबी लोक कथा है। पंजाब राज्य में यह कथा अक्सर सुनाई जाती है। तो जिसका नाम है बहादुर बित्तो। कहानी का नाम है बहादुर बित्तो। कहानियां अलग अलग प्रकार की होती है। कभी कभी हमने सुना है कि बहुत सारे राजा महाराजाओं की कहानी सुना है, हमने पढ़ी भी है। एक राजा था, एक रानी थी, है ना। तो राजा महाराजाओं की कहानी, ऐतिहासिक कहानी, लोक कथा और साहसी कथा यानी बहादुरों की कहानियां उनमें होती है। इसी तरह अलग अलग कहानियां हमने सुनी है। तो आज हम ऐसी ही एक बहादुर लड़की की, बहादुर महिला की कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहादुर बित्तो। तो देखते हैं कि उसने किस तरह से बहादुरी का काम किया है। बहादुर बित्तो एक किसान था। उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा यही रुक, तू यही रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं। अगर तू तो बैल को खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरे बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बच्चों, इस कहानी में एक लड़की है, महिला है, जिसका नाम है बित्तो, और एक है किसान। किसान यानी फार्मर, जो खेती करता है, खेत में जाकर खेती करता है, तो इसे हम किसान कहते हैं। किसान का काम सुबह सवेरे शुरू होता है, हल चलाना और फसल काटना, गायों को धोना धोना, जानवरों को चराना, चारा डालना, ये सभी काम किसान बहुत सवेरे सवेरे जल्दी उठकर करता है। तो एक दिन ये किसान अपने खेत में हल चला रहा था, तो बैलों को जोड़कर वह हल चला रहा था, तो इतने में एक शेर आता है। उसने कहता है कि हे किसान, तुम मुझे बैल दो खाने के लिए, अगर तुमने मुझे बैल नहीं दिया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। ऐसा आप अपने पत्नी से आकर कहता है, इसका नाम है बित्तो। किसान क्या करता है कि एक दिन में सुबह सवेरे जब खेत में हल चला रहा था, तब एक शेर ने आकर मुझे ऐसा कहा। एक दिन वह अपनी ये बीवी से कहता है, पत्नी से कहता है कि शेर ने मुझे आकर बैल बैल खाने के लिए मांगा। तो
बीवी कहती है, पिंटो कहती है कि तुमने क्या कहा? तो किसान कहता है, मैंने शेर से कहा कि तू यही रुक, मैं तुम्हारे लिए गाय लेकर आता हूँ। अगर तुम बैल खा लोगे, बैल को खाओगे, तो हम लोग कैसे जिएंगे? क्योंकि बच्चों बैल से ही क्या होता है, खेती होती है। बैल खेती के काम के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणी है, हल चलाने का काम करता है ना? तो अगर बैल को तुमने खा लिया तो हम लोग कैसे जिएंगे? इसके ऊपर ही हमारी सब जिंदगी होती है, जीवन होता है। इससे खेती बनती है, खेती से ही हमारा जीवन है, सब कुछ खेती ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो तू यही हूँ, मैं तुम्हारे लिए गाय लेकर आता हूँ। लेकिन बच्चों क्या हुआ, गाय का नाम सुनते ही तो बड़ी ही गुस्सा हो गई। क्यों? क्योंकि उसने कहा अपने पति से कि किसान से, उस पति से कहा, ये तुमने क्या किया? सोचो अगर गाय का दूध हमारे, मतलब जो गाय है वो भी महत्वपूर्ण है, गाय का दूध हमें नहीं मिलेगा तो बच्चे कैसे खाएंगे, उन्हें मैं क्या दे दूं? उससे दूध से क्या क्या बनता है, लस्सी और आदि बाकी चीजें भी बनती है। तो दूध और दूध से बने पदार्थ मैं अपने कैसे बच्चों को कैसे खिला पाऊंगी, बच्चे भूखे रह जाएंगे, ये तुमने क्या किया? अगर गाय चली गई तो घर में कुछ नहीं बचेगा। पंजाब में ज्यादातर लोग लस्सी पी लेते हैं, उनके यहाँ बड़ी ही चाव से ये लोग खाते हैं लस्सी। तो ये लस्सी जो है वो भी नहीं बन पाएगी, बहुत भारी मात्रा में ये दूध हमें मिलता है गाय का, और इससे ही हमारा घर चलता है। दूध दूध मिलता है, लस्सी मिलती है, और कुछ न कुछ तो हो जाता है। तो अब बच्चे किसके साथ खाएंगे, क्या खाएंगे, रोटी कैसे खा पाएंगे, ये आपने कभी सोचा नहीं? और क्या कह दिया आपने कि मैं तुम्हें गाय दे दूंगा? अब क्या हुआ, भी तो गुस्से में गई, लेकिन तभी उसके उसको एक तरकीब सूझती है। तरकीब यानी युक्ति। वो विचार करती है, सोचती है कि क्या किया जाए। आखिर वो शेर है, उसे कुछ नहीं मिला तो सच में वो किसान को खा जाएगा। लेकिन वो बहुत बहादुर भी है और बुद्धिमान भी है, होशियार भी है। तो उसे एक तरकीब सूझती है, कौन सी? उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरे बित्तो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। देखो जब किसान ने बित्तो से कहा कि मैंने ऐसा ऐसा कह दिया है, मैंने कहा है कि बैल को मत खाओ, मैं तुम्हें गाय दे दूंगा, लेकिन गाय का नाम सुनते ही बित्तो बहुत गुस्सा हो जाती है और किसान को डांटती है, फटकारती है, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, ऐसा कहती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक तरकीब सूझती है और कहती है कि आप अभी खेत में जाओ और शेर से कहो कि मेरी जो बीवी है बित्तो, वह तुम्हारे लिए क्या करने वाली है, खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। शेर तो सभी जानवरों की शिकार करता है, बड़ा ताकतवर है, लेकिन अभी क्या है कि अभी बहुत ही सोच विचार कर उसे बोलना है, तभी क्या जाएगा, शेर बैल के भी जान बचेगी, गाय के भी और किसान के भी। तो बित्त तो बहुत ही समझदारी से काम ले रही है। उसने कहा, ठीक है, तुमने ऐसे कह दिया कि मैं गाय लेकर आने वाला हूं, अभी तुम ऐसे ही वापस चले जाओ और क्या कहो कि मेरी बीवी बित्तो तुम्हें एक ताजा घोड़ा लेकर आ रही है खाने के लिए। किसान बिल्कुल भी मालूम नहीं था, वो तो बहुत डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मैयल है,
उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। मरियल, मरियल यानी दुबला, मरियल यानी दुबला, बहुत ही कमजोर है, होगा मजबूत नहीं है, वो दुबली पतली सी है। तो बिट्टो क्या कहती है? तुम अभी फौरन जाओ, जल्दी जाओ, फौरन यानी जल्दी, खेत में जाओ और कहो शेर से कि मेरी बीवी आ रही है। और वो क्या कर रही है? तुम्हारे लिए क्या लेकर आने वाली है? एक मोटा ताजा घोड़ा खाने के लिए तुम्हें लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ी बांधा और हाथ में दरा भी लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने चार शेरों को फांस कर रखा है, यहां तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहां गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। देखो बिट्टो ने बहुत ही समझदारी से काम लिया है, कितनी आसानी से वह बोल देती है। कैसे उसने क्या किया? किसान के जाने के बाद वह भी घोड़े पर बैठकर आई, बड़ी सी पगड़, पगड़ी तो सिर पर बांधी जाती है, भारी बहुत बड़ी पगड़ी, और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। दराती, दराती यानी फसल काटने का औजार, फसल काटने का औजार, तो जिससे फसल काटा जाता है उसके हाथ में यहाँ है, आप देख सकते हो चित्र में, उसके हाथ में वह है फसल काटने का औजार, शस्त्र। तो घोड़े पर बैठकर उसने बड़ा सा क्या किया था? उसने बड़ी सी बड़ी भारी पगड़ी बांधी, हाथ में दराती ली, वो जो फसल काटने का औजार है वह लिया, घोड़े पर बैठकर वह खेत में पहुंच गई, घोड़े पर सवार हो गई, घोड़ा दौड़ा के वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, क्या, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने चार शेरों को फांस कर रखा है। यहां भी उसने क्या किया? युक्ति की, किस तरह से तरकीब की? उल्टा किसान से ही कहा, अरे किसान, यहां तो मुझे एक ही शेर दिखाई देता है, तूने तो कहा था चार शेर है, क्या क्या कहा था? चार शेर है, ये क्या कर रही है बिट्टो? शेर को डराने के लिए नाटक कर रही है, क्या कह रही है? अरे किसान, यहाँ तो एक ही शेर है, तूने तो कहा था चार शेर मैंने रखे हैं, फांस कर जाल में फंसा कर रखे हुए हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही शेर दिखाई दे रहा है, बाकी कहाँ गए? बिट्टो कहती है किसान से, यहाँ एक शेर है, बाकी के शेर कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। क्या कहा बिट्टो ने? ठीक है चलो, मुझे नाश्ते में एक ही शेर चलेगा, काफी है। तो अब किसान देखता रहा और यह सब बातें शेर सुन रहा था, शेर बाजू में ही खड़ा था, वह डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। जो बिट्टो ने कहा उससे सुनकर शेर भाग गया। बिट्टो ने क्या कहा? कि मुझे एक ही शेर खाने के लिए काफी। शेर समझ गया कि ये बहुत बड़ी कोई
व्यक्ति है, आदमी है, कुछ तो है, क्योंकि ये कौन है समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान कैसे खा सकता है शेर को, तो ये कौन है। और वो क्या कह रही है कि मुझे चार शेर चाहिए थे लेकिन एक काफी है। ये बातें सुनकर ही वह डर के मारे कांपने लगा और भाग गया। यह देखकर विक्टर बोली, देखा इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। देखो उसने अपने पति को कह दिया कि देखो मैंने किस तरह से शेर को भगा दिया और तुम तो बहुत डरपोक हो, बिल्कुल भी साहस ही नहीं हो, हिम्मत ही नहीं है तुझमें कि तुमने क्या कहा कि गाय लेकर आता हूं, ऐसे कैसे हम अपने गाय को दे देते। इसलिए विक्टर ने कहा कि मैंने यह काम किया कैसे, हिम्मत से, बहुत ही साहसी बनकर उसने ये काम किया कि एक तो वह दिखने में बहुत ही मजबूत थी, बड़ी मोटी थी, विक्टर कैसी थी, मोटी थी, और उसने सिर पे पगड़ी जो बांधी थी तो शेर को लगा ये कोई कुछ और ही है, शेर को लगा कि ये कुछ और है और ये तो शेर भी खा रही है, ये कौन है। उसे उसका रूप देखकर वह डर गया, बातें भी उसने सुनी कि उसे एक शेर काफी है, वो चार शेर खाएंगे, ये है कौन। तो उधर बारे रूप के शेर की आंतें चटपटा रही थी और शेर को तो बहुत जोरों से भूख लगी थी, बहुत जोरों की भूख लगी थी, लेकिन उसे पैर मिला न गाय मिली न किसान मिला। अब वो उसे बहुत जोरों की भूख लगी, उसने क्या किया, एक भेड़िया ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। वहां उसे एक भेड़िया मिला, भेड़िया यानी उल्फ। तो भेड़िए ने कहा कि महाराज आप बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है, आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा पड़ गया जो रोज सुबह चार शेरों का नाश्ता करती है। देखो शेर को क्या लगा वो कौन है, बित्तो को वो राक्षसी समझ बैठा और भेड़िया को कहने लगा, आज एक राक्षसी से सामना हुआ मेरा और वह एक नहीं चार शेरों का नाश्ता करती है। क्या करती है, चार शेरों का नाश्ता करती है, पाला पड़ना वास्ता पड़ना। मराठी में हम कहते हैं ना कि बग आता तुझी माझ्याशी गाठ आहे, है ना। बग तो इस प्रकार एक बड़ी राक्षसी का मैंने क्या किया, सामना किया और वह बहुत ही बड़ी राक्षसी है क्योंकि वह चार शेरों का नाश्ता करती है। भेड़िया से वह खाना लगा, मुश्किल से मेरी जान बची, उसने मुझे नहीं खाया क्योंकि मैं भाग गया वहां से, मैं भाग कर यहाँ आ गया हूँ। और कुछ न पूछो, अभी मुझे तुम कुछ न पूछो, मुश्किल से जान बची है, बहुत ही मैंने मुश्किल से अपनी जान बचा कर मैं आया हूँ। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा, भेड़िया जो है बुल जो है उसको बहुत हंसी आ गई, वह हंसने लगा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। देखो जो उल्फ है भेड़िया है उसे हंसी आ गई इस बात से, शेर तो डरा हुआ है लेकिन उल्फ को भेड़िए को हंसी आ गई इस बात से कि वह राक्षसी है, चार शेरों का नाश्ता करती है। उसे कुछ तो पता था, क्या पता था उसे, उसने कहा, भोले बादशाह वह तो बिंतो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था, आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए।
अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो बच्चों यह कहानी हम यहाँ तक देखते हैं कि आगे क्या होता है, भेड़िया क्यों हंसता है और शेर और बित्तों का सामना फिर किस तरह से होता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक बच्चों आप अपना अपनी जो ये कहानी है अपनी, वो आपको क्या करनी है, पढ़नी है। उसके जो नए शब्द है कहानी में आए हुए नए शब्द है उनके अर्थ आपको ध्यान में रखने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।